वीडियो शुरू करने तो पहला मैं ताड़े सारे नो एक गल कहना चाहना, प्लीज़ इस चैनल नो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड जो भी अगे अगे ये रिलेटेड होएगा मैं अपडेट करता रहूँगा। हेलो एवरीवन, की हाल चाल ताड़े सारे दा, मेरा नाम है पवनदीप एंड तुसीं सारे देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल गुजराल मीडिया। तुसीं सोच रहे होगे अज है किस वस्त्र च बैठा है ते किवें बह के वीडियो बना रहा, बट ये इसलिए बना रहा क्योंकि तुहानू पता जस्ट हाले थोड़ी टाइम पहला ही मैं 1000 सबसक्राइबर हिट कर गया एंड मेरा 4000 वॉच टाइम आज जेडे सी वो भी मेरे कंप्लीट हो गए थे। सो आज होने इसे वक्त मैं यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम लिए एलिजिबल हो गया। सो मैंने लगे कि एक मिनट हमने घरदियां दे मैसेज आई जा रहे हैं कि कंग्रेचुलेशंस तू मतलब माइलस्टोन हिट कर गया। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू एज वेल कि तुम सारे ने बहुत सपोर्ट की है मैंने इतने तक पहुँचने वास्ते, तो ये तो मैं तो अद विचकार ही मतलब साइन आउट करके निकल जाना सी। सो मैं बस अपने 9 सबसक्राइबर्स दूर हैं अपना फर्स्ट माइलस्टोन हिट करन दा जो कि है 1000 सबसक्राइबरस। मैं तो वैसे ही सौन तो पहले एक बार चैक कर लगा सीगा, मैं एक बार देख लिए किन्ने के सबसक्राइबरस हो गए, तो जिमें देखा ना कि 980-85 सबसक्राइबरस हो गए, तो मैं पोस्ट पाई तो मेरे एक दो दोस्तों ने होर शेयर भी किया। सो मैं हौली तो इसलिए बोल रहा क्योंकि सारे सो गए हुए हैं, तो मैं भी बस बैठे ही होया, तो मेरी हूँ तो नींद ही उड़ गई। मैं क्या यार हूँ मैं मिस नहीं कर सकता, एक बार मैं 1000 सबसक्राइबरस चेक कर ला मेरे लिए बहुत वही गल है। मतलब मैंने तो इदा लग रहा कल सवेरे मैं दरवाज़ा खोलना कैमरा ये वो सारा कुछ चलता होगा, बट इदा चल हो रहा नहीं, बट खुशी बहुत हो रही है इस टाइम, बट बहुत बहुत वधिया लग रहा है। सो थैंक यू सो मच एवरी वन। 995 सो बहुत 996 बहुत वधिया लग रहा है। आई मीन बाकी मैं ना बाकी यूट्यूबर्स भी कई बार नोटिस किया कि उन्होंने ना इदा रियल टाइम ला के बैठे रहते जब भी उन्होंने मतलब 10,000 या 1,000,000 या 10,000,000 जब भी उन्होंने माइल स्टोन हिट हों, अच्छ मैं लिटरली सेम फीलिंग आ रही है। आईडी मेरे दिमाग से कि देर का ही चल रहा है, बस हमने किसी ने मैसेज मिलया कि आ चैनल में सबसक्राइब करो एंड नाल उन्हें खोलिया, उन्हें देखा, उन्हें फिर अपना लॉग इन किया साइन इन किया यूट्यूब, 1000 हो गए सबसक्राइबर्स, फाइनली 1000 हो गए। क्या बात है। मैं पहले 3-4 फोटो ले लिया, थैंक यू सो मच कि मेरे 1000 सबसक्राइबर्स हो गए फाइनली। जो फर्स्ट माइलस्टोन सिगा वो मैं हिट कर गया, होल्ड अज की नींद पता नहीं आऊगी नहीं आऊगी, बट जो आ गई ना बहुत सही आएगी, बहुत पीसफुल होगा मैं, क्या बात है। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर एज यू नो कि मैं 1000 सबसक्राइबर्स प्लस 4000 वॉच टाइम जो वॉच आवर्स है वो मैं पूरे कर लिया। सो मैंने लगे कि मैं एक वीडियो ये भी बनावा कि वॉट टू डू आफ्टर दैट, है ना, कि किमें तुसी यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम वास्ते अप्लाई कर सकते हो। सो मैंने जस्ट हूँ देखा तो मैंने लगे मेरा तो हाल एक ही चैनल है, तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर कुछ वो दिखा भी नहीं सकता। सो मैं जस्ट हूँ देख ही रहा है, सो मैंने आगे अगे अपलाई नो मैंने लगे कि तुहाडे नाल भी मैं शेयर करा। जिवें कि तुसी अपने यूट्यूब चैनल के उत्ते जाओगे क्रिएटिव स्टूडियो के विच, इत्थे तुहानू लेफ्ट के उत्ते मोनेटाइजेशन दिख रहा होगा, इनू क्लिक करके मैं चारों चीज़ा क्लीयर कर लिया कि मेरा सबसक्राइब अकाउंट भी अबव 1000 है, वॉच टाइम भी मेरा हैगा, 2-स्टेप वेरीफिकेशन भी होगी एंड कोई मेरे कम्यूनिटी स्ट्राइक भी नहीं हैगी। सो जिदे करके मैं एलिजिबल हो गया। सो इत्थे जाके तुसी अप्लाई नाउ कर सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन आती है, फर्स्ट पॉइंट आता रिव्यू पार्टनर प्रोग्राम टर्म्स, तुसी इत्थे स्टार्ट करके मैं वैसे पढ़ लिया होया बट जे तुसी भी पढ़ना चाहोगे पॉज कर दे रहे हो एंड पढ़ दे रहे हो, ठीक है, की चाहिए होंगे। जिमें एक आ हो गया, तुसी ये सारा पढ़ लो एक बार कि किमें पार्टनर प्रोग्राम यूट्यूब अपने पैसे रखता है तो सानू किन्ना दिंदा है, मतलब मैंने भी काफ़ी कुछ अज पता लगा, पहला मैंने भी नहीं पता सीगा। सो आ चीज़ ईजी है, बस एक्सेप्ट टर्म्स करनी है, वो स्टार्टेड लिखे आ जाएगा या जो भी है। हाँ सो इतने डन आ गया। उस तो बाद तुसी साइन अप फॉर गूगल एडसेंस हों, बेसिकली जे किसी ने अपना एडसेंस अकाउंट नहीं बनाया हुआ वो हूँ जाके शुरू कर सकता, बट जिमें मेरा ऑलरेडी बनया हुआ सीगा तो यस आई हैव एन एग्जिस्टिंग अकाउंट, ये करके ओनली अबाउट टू एड, ठीक है जी
ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਲਿੰਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਡਰੈਸ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਐਡਰੈਸ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਬਟ ਨੈਵਰਦਲੈਸ ਮੇਰਾ ਆਹ ਹੁਣ ਐਡਰੈਸ ਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਕਸੈਪਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਬੈਕਐਂਡ 'ਤੇ ਆਈ ਗੈਸ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਂ ਸਮਥਿੰਗ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ ਡਨ ਕਰ ਦੇਗਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੇਗਾ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਆਲਰਾਈਟ ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਪਿੱਛੇ ਐਂਡ ਜਦ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਟ ਆ ਉਹ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਗੇ ਮੋਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਈ ਐਂਡ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਯੂ ਮੋਨੀਟਾਈਜ਼ ਯੋਰ ਵੀਡੀਓ ਆਫਟਰ ਯੂ ਐਕਸੈਪਟਡ ਇਨ ਟੂ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰ ਲੈਣਾ ਗੂਗਲ ਐਡਸੈਂਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਟ ਰਿਵਿਊਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਲੈਜਿਟ ਹੈ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਮੋਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਐਲੀਜੀਬਲ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਕਸੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗਿਓਂ ਜੋ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕੀ ਬਣਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਯੂਟਿਊਬ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦਿਖਾਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਜੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਜਸਟ ਅ ਕੁਇਕ ਅਪਡੇਟ ਮੇਰਾ ਐਡਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਗੂਗਲ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਅਪ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲਿੰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਨ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਟੈਕਸਿਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਮੈਨੇਜ ਯੋਰ ਟੈਕਸ ਇਨਫੋ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀਗੀ ਗੂਗਲ ਐਡਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਂ ਭਰਤੀ ਸੀਗੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਗੈਟ ਰਿਵਿਊਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਈ ਹੋਪ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਭਰਿਆ ਉਹ ਠੀਕ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦੇਰ ਲੈਣਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੈਣਗੇ ਬਟ ਅਦਰ ਦੈਨ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਾਫੀ ਫਾਸਟ ਹੀ ਸੀਗਾ ਸਟੈਪ ਟੂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੈਵਰਲ ਡੇਜ਼ ਲੱਗਣਗੇ ਸੈਵਰਲ ਡੇਜ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਰਾਤੀ ਭਰਿਆ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੀ ਡੀਟੇਲਸ ਭਰੀਆਂ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੈਟ ਰਿਵਿਊਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ ਆਈ ਹੋਪ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋਵੇ ਸੋ ਦੈਟ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕੋਨਫੀਡੈਂਸ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਾਂ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਈ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਐਂਡ ਗਰੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੀ ਯਾਰ